मरीची का कोई पता चला आज क्या हो जाएगा, डस्ट टूटेगा नहीं यहाँ से, एसी में डस्ट थोड़ा भी निकलता तो होता है खांसी आ जाता है। अपना न्यूज छोड़ करके दूसरे न्यूज के लिए काम करना शुरू कर देंगे क्या? हाँ जी, बेसिकली एक शॉर्ट फिल्म है जागो और जियो, और ये बनी है सुसाइड प्रिवेंशन पे कि सुसाइड नहीं करना चाहिए। तो जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है सबको बहुत डिप्रेशन हो रहा है, तो मैंने मई में ये टॉपिक सोचा था और फिर राम भाई के सपोर्ट से इसे मैंने बनाया और पूरे लॉकडाउन के दौरान सारे रूल्स फॉलो करके ये फिल्म बनाई गई है। ये पहली ऐसी फिल्म है पूरी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। गोफी सर ने बहुत सपोर्ट किया उसमें, हमने मतलब इसके जो रिहर्सल्स किए हैं जूम पे किए हैं, ऑनलाइन किए हैं, और कुछ लोगों ने सीन शूट करके भेजे एंड फाइनली बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना है। और हम मैसेज देना चाहते हैं कि सुसाइड कभी भी एक ऑप्शन नहीं होना चाहिए। तो यस, आई जस्ट होप लोग देखें, और अगर 10 लोग भी ये फिल्म को देख के थोड़े इंस्पायर हो गए तो मेरे लिए जीत होगी। सिद्धांत, जानना चाहूंगा कि ज्यादातर लोग एक्टर बनने के ख्वाहिश रखते हैं, डायरेक्टर बने हैं, राइटर बने हैं, क्या ऐसा इंस्टिंक्ट था जो कि आपको इंस्पायर किया? एक्चुअली पता है, मैं बोर्डम से डायरेक्टर बन गया, क्योंकि जब इतने 2-3 महीने सब घर में लॉक थे तो था ही नहीं कि क्या करें। तो वैसे तो मैं थिएटर एक्टर हूँ, मतलब हम महाभारत एंड एपिक टेल हमारा बहुत फेमस प्ले है ना, पूरे इंडिया में नंबर 1 लाइव थिएटर प्ले है। लेकिन 2 महीने घर पे बैठे बैठे इतना बोर हो गया था कि मैंने बोला यार कुछ एक शॉर्ट फिल्म का कॉन्सेप्ट लिखता हूँ। पहले जब लिखा तो मैं फेसबुक के लिए एक इंस्पिरेशनल वीडियो बनाने वाला था। डैड ने कहा वेस्ट मत कर, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, राम भाई को सुना। राम भाई ने बोला इसको तो तुम बना ही दो कैसे भी करके। तो बस एक इंसिडेंटल में बन गया, मतलब फिल्म बन गई। मैं साथ में चाहूंगा कि आप इतने सारे इंडस्ट्री में सक्सेस इतना पाया है, क्या कहना चाहेंगे, आपने क्या ऐसा मेंटरशिप किया है इनको इंडस्ट्री के लिए? देखिए जी, मेरा बेटा है तो क्या था कि ये पिछले 8 साल से थिएटर कर रहा है, सो ये थिएटर करता है। सो ये लॉकडाउन के दौरान जो महामारी जो कोविड हुई है, इसका असर सब पर हुआ है। ये पूरे विश्व भर के लिए, न केवल हमारे देश के लिए, एक संकट की घड़ी थी और इसमें धैर्य संयम की आवश्यकता थी। तो उस वक्त सभी डिप्रेशन से थे, और स्पेशली खास करके वे कलाकार जो बेचारे रोज काम करते हैं, जो पोएट्री रिजिस पे जो वोकस काम करते हैं, उन पे क्या गुजर रही होगी। अगर हम जैसे लोग घरों में बैठ के अपने आप को एक बर्डन, एक प्रेशर महसूस कर रहे थे, तो उस समय मुझे याद है ये कहानी सिद्धांत ने मुझे फर्स्ट वीक ऑफ मे में सुनाई थी। डैड मैंने कुछ ऐसा सोचा है, जब सुनाई तो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो कहने लगा डैड मैं सोचता हूँ फेसबुक पे इसको एक छोटा सा इंस्पिरेशनल वीडियो बना के डाल दूँ। तो मैंने कहा नहीं सिद्धांत, बहुत खूबसूरत ये है, इसको इसका वेस्ट मत करो, लेट्स मेक इट इनटू अ फिल्म। आप माने कि हमारी स्क्रिप्ट जो है वो हमने राइटर्स एसोसिएशन में उसको रजिस्टर की सिद्धांत में 10 मई को, और फिर राम भाई को जब सुनाया तो राम भाई ने कहा पुनीत जी इट इज ब्रिलियंट, मैं आपके साथ जुड़ता हूँ और ये फिल्म को हम बनाएंगे। तो कहते हैं उन्हें सुनते ही उनका भी राम भाई की वजह से ही हुआ है, जो इन्होंने मुझे प्रोत्साहन दिया कि पुनीत जी लेट्स डू इट। फिर हमने सिद्धांत से कहा कि सिद्धांत इस पर काम करो। फिर स्क्रिप्ट सिद्धांत ने जब लिखी तो फिर था कि अब ये लॉकडाउन के दौरान कैसे हम फिल्म बनाएंगे, बहुत मुश्किल था। तो गोफी मेरे मामा श्री, प्रिय मामा श्री, तो मैंने उनसे कहा कि गोफी आई वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म। और इन्होंने इतना सूक्ष्म, इतना इमोशनल कैरेक्टर किया है, तो जब उन्होंने सुना उन्होंने कहा। फिर विजेता भरद्वाज जी हैं, इनको कहा फोन पे कि विजेता ये ऐसा सब्जेक्ट करने जा रहे हैं, आप सोचिए कुछ कर सकते हैं। बोलते ठीक है पुनीत जी, आई विल बी विद यू। लोकेश से बात की, इसने कहा कि सर आई एम ऑन। सभा मैम से बात की, इन्होंने कहा। फिर हीरोइन ढूंढनी थी, लड़की कौन होगी क्या होगी, तो इस बच्ची को हमने बात की। अब उस लॉकडाउन के दौरान कहाँ पे बाहर नहीं निकल सकते, इट वाज एट द पीक, सबने सबको स्क्रिप्ट हमने ईमेल की, लोगों ने घरों में बैठ के याद किया, फिर हमने जूम कॉल पे हमने उसपे आपस में रिहर्सल करनी शुरू की। इनफैक्ट इस फिल्म के अंदर एक हमारे एक मित्र हैं, मेरे छोटे भाई हैं राहुल बच्चन, जो हमारे फेलिसिटी थिएटर के ओनर हैं, जो महाभारत जो हमारा प्ले है उसके प्रोड्यूसर हैं, वो दिल्ली में, उनके लिए कैरेक्टर, तो उनके साथ फिर बात की, वो वहाँ डायलॉग याद कर रहे हैं। और फिर एक गुरिल्ला शूटिंग जो होती है बड़ी मुश्किल थी, कैसे करें, अच्छा पूरी शूटिंग से बिल्डिंग अंदर ही करनी है और नॉर्म है कि 4 आदमी से ज्यादा ऊपर इकट्ठे नहीं हो सकते। तो सारे नियमों का पालन करते हुए
तीनों हमने ये फिल्म बनाई। अब स्पॉट बॉय भी सिद्धांत भी स्पॉट बॉय का भी काम इसने किया, लाइटमैन का भी काम किया, असिस्टेंट मेकरमैन का भी काम किया, ये शॉट देखते वो इसको कार्ड दिखा रहा है। और ये वर्क एथिक जो है इस फिल्म के दौरान मैंने एक चीज रियलाइज की कि जो डेली वेज वर्कर होते हैं, जो मजदूर होते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। और क्योंकि मैं उनका काम कर रहा था तो थे नहीं स्पॉट बॉयज, नहीं थे लाइटमैन, नहीं थे मेकअप वाले, नहीं थे। तो ये जो फिल्म है मैं उनको डेडिकेट करना चाहूँगा। एंड जो हमारे इंडस्ट्री के जो बड़े स्टार्स हैं जो उनको डोनेशन दे रहे हैं, लाइक सलमान सर हो गए, अक्षय कुमार सर हो गए, स्पेशल थैंक्स टू देम, बिकॉज यू नो इस बार मैंने रियलाइज किया कितनी इंपॉर्टेंट होते हैं डेली वेज वर्कर्स। सर मैं आई एम ऑलवेज प्रिविलेज टू वर्क पुनीत एंड हिज सन हैज कम अप। तो इस वक्त अगर मेरी ज़रूरत किसी भी हालत में है तो मैं तो भागा वैसे ही जाऊँगा, क्योंकि मैं तो लड़ पड़ूंगा अगर मेरे से ना कुछ करवाएंगे। इट शुड बी माई प्रिविलेज। और मैं बड़ा हैप्पी हूँ कि एक ऐसा सब्जेक्ट बच्चे ने हमारे चुना जो कि आजकल की ज़रूरत है, क्योंकि सुइसाइड जो है इज़ नॉट द सोल्यूशन। आपको उसके ऊपर कैसे काबू पाना है, अपने आप के कैसे लड़ना है। मुसीबतें आती हैं ज़िंदगी में, लेकिन उन मुसीबतों से लड़ना, आगे बढ़ना भी एक मनुष्य का कर्तव्य है। और जैसे कि इन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है कि 84 लाख जन्म लेने के बाद, कीड़ों मकोड़ों के बाद आपको ये मानव जो है शरीर मिलता है, मनुष्य का जीवन। हाँ, उसके बावजूद आप इसको अगर ख़त्म कर दें तो शर्म की बात है, ये मानव जाति में। कहने का मतलब वेरी हैप्पी जो है, ये समस्या का समाधान नहीं है। नहीं है, नहीं। तो आई एम वेरी हैप्पी कि इन्होंने एक ऐसा सब्जेक्ट चुना जो रेवोल्यूशनरी वे है और कुछ कहता है, और फिक्शनलाइज भी बहुत खूबसूरत तरीके से किया इन्होंने टेक्निकली। तो ऑफकोर्स बाप की छाया है इस पर, एंड गॉड ब्लेस हिम, एंड आई विश कि सारे बच्चे देखें हमारे और इससे इसको देख के कुछ गुणें, इससे कुछ अच्छी चीज़ लें। मुख्य जी, ये जो मामला है सुसाइड वाला मामला, शायद ही ऐसा पहला केस होगा बॉलीवुड का जो इतना लंबा खींच गया है और अभी उसकी जांच भी चालू है। तो ये चीज़ें कब तक थमने वाली है, मतलब ये चीज़ें अगर इसको दिखाया जाए शॉर्ट फिल्म के जरिए, फिल्मों के जरिए, क्या कहना चाहेंगे? दीदी, अच्छी बात है, और वो तो सब्जेक्ट से अभी उसके बारे में कुछ कहना, क्योंकि अभी तो CBI भी आ गई है। ऑब्वियसली हमारा कानून बहुत तगड़ा है और अच्छा, सब अच्छा ही होगा। नहीं, मैं कहना चाहूँगा कि देखिए क्या है कि ये जो हमारी फिल्म है ये किसी एक व्यक्ति के सुसाइड पर आधारित नहीं है। आपने देखा होगा इस लॉकडाउन के दौरान कितने TV कलाकारों ने बेचारों ने सुसाइड कमिट किया है। बिल्कुल। तो इसमें नहीं किसी स्टार ने क्या किया, हम उसमें नहीं जाना चाहेंगे, बिकॉज मैटर इज सब जूडिस, जांच चल रही है, CBI इंक्वायरी चल रही है, तो उससे हमको क्या लेना देना। हम ये जब बताना चाहते हैं कि मनुष्य जीवन सर्वप्रथम है, बहुत ही प्रेशस है, लाइफ इज ब्यूटिफुल, और हमें कोई हक नहीं बनता उसको अपना के उसको व्यर्थ गंवाने का। और डिप्रेशन से किस तरह फाइट करना है, हमें मुश्किलों से किस तरह लड़ना है, और जीवन को किस तरह हमें प्रेरणा लेकर हमें आगे बढ़ना है। ये फिल्म हमारी बहुत ही पॉजिटिव फिल्म है, हमने इस पे ज्यादा फोकस किया है। राम जी, आप देख सकते प्रोड्यूस करते हैं, तो बड़ी जिम्मेदारी, और क्या आपको प्रेरित किया है इसको प्रोड्यूस करने के लिए? नहीं, ये तो मुझे लगा एक मैसेज देना चाहिए, और ये शरीर मेरा अपने आप का नहीं है, इसमें माता पिता का अधिकार है, बहनों का अधिकार है, सबका अधिकार है, और हम अपनी इच्छा के थ्रू कई इच्छाओं को मारते हैं। तो ये मैसेज एक है जो मैसेज के लिए एक हिसाब से बनी, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि देश विदेश में मैसेज जाना चाहिए, इसके लिए सिद्धांत के पीछे में इसमें खड़ा हुआ हूँ, पुनीत जी के आशीर्वाद से। मेरे लिए तो ये मूवी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं खुद लॉकडाउन के वक्त 3 महीने जो लोनलीनेस से गुजर रही थी, एंड इनफैक्ट मुझे खुद को ही ऐसा ख्याल आने लगे थे, इतना लोनलीनेस था, इतना मतलब कह रहे ना कोई और दिख ही नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है कि वॉचमैन एक मैसेज देने आ रहा है बस, और कोई दिख ही नहीं रहा है। तो उसी दौरान मुझे सिद्धांत का कॉल आया था कि तुम ये मूवी करोगी, जब खुद मेरे दिमाग में ये ख्याल आने लगे थे कि मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जैसे कैंसिल हो गए थे उसी वक्त, मेरा अब्रॉड का टूर था थिएटर का वो कैंसिल हो गया था, और काफ़ी इवेंट्स कैंसिल हो गए थे, मेरी साउथ की मूवी कैंसिल हो गई थी, और उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी पता नहीं है कोरोना कब खत्म होगा और कब मैं यहाँ इससे बाहर निकल पाऊंगी, मुझे ऐसा लग रहा था। और इस
जब मैं पूछती थी कि मेरा पेमेंट कब होगा, जो बाकी है आप कब पेमेंट दोगे, उसके भी यही जवाब आते थे कि पेमेंट तो कहते ना अभी तो लॉकडाउन है। इनफैक्ट अभी भी जिन लोगों ने पेमेंट दिया आधे काट काट के दिया, बोला कि अब अगर आपको लेना है तो लो वरना अगले 6 महीने। तो मैं आई वॉज गोइंग थ्रू अ लॉट, मतलब इतना खुद ही नेगेटिव हो रही थी मैं, तभी सिद्धांत का कॉल आया। मुझे तो लग रहा है वो जो इस मूवी में पोर्ट्रे किया है इट्स अ रियलिटी, और मैं इतनी ज़्यादा कनेक्ट हो गई उसकी स्टोरी से कि यार ये तो ये जो जो बोल रहा है ये तो मेरे साथ पास्ट में हो भी चुका है, एंड इट इज़ सो मच रियल, मतलब इतना रियलिटी है इस स्टोरी में, आई मस्ट डू इट। और उसके बाद सिद्धांत ने इस पर बहुत हार्डवर्क किया, इनफैक्ट रिहर्सल पे भी उसने मेरी बहुत हेल्प की है, बहुत मेरे लिए पर्टिकुलरली उसने, पुनीत सर ने भी मुझे बहुत हेल्प किया है स्क्रिप्ट को लेकर, और बहुत अच्छा गाइडेंस दिया है पुनीत सर ने मुझे, आई वुड बी ऑलवेज थैंकफुल टू हिम। और सिद्धांत ने तो मतलब थ्रू आउट मूवी में मुझे बहुत सपोर्ट किया, और उसने मेहनत भी बहुत किया। आई एम श्योर दैट यू विल ऑल लव दिस मूवी। आई डोंट नो आप लोगों ने देखी है कि नहीं, बट प्लीज़ ज़रूर देखिएगा।